रूस ने जैसे यूक्रेन वापस लिया, क्या भारत भी पीओके वापस ले पाएगा कभी? रूस ने चुप्पी तोड़ी और यूक्रेन को नेटो का होने से बचा लिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सन 1991 में सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का विभाजन हो गया, रूस के टुकड़े हो गए और छोटे छोटे कई देश अस्तित्व में आए। यूएसएसआर सोवियत संघ के टूटने से अगर कोई देश खुश था तो वो था अमेरिका, क्योंकि रूस के साथ अमेरिका की कोल्ड वॉर काफी लंबे समय से चली आ रही थी। उसके बाद अमेरिका को हुआ एहसास कि जो देश रूस से टूटकर आजाद हो गए उन्हें तुरंत नेटो कंट्रीज का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि बाद में रूस चाहकर भी इन देशों को अपने धरती से ना मिला पाए। इसी के लिए नेटो में वो बहुत से देश आकर जुड़ गए जो रूस का हिस्सा हुआ करते थे कभी। और सबसे बड़ी बात, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाइंडिंग मेंबर थे अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज। यानी इनडायरेक्टली रूस से टूटे, सोवियत संघ से टूटे देश अब अमेरिका के प्रभुत्व क्षेत्र में आ गए, जिससे रूस बौखलाया हुआ था। लेकिन रूस ने सही वक्त का इंतजार किया। धीरे धीरे वो बहुत सी छोटी छोटी कंट्रीज जो सोवियत संघ से टूटी थी वो नाटो का हिस्सा बनती गई और अमेरिका के प्रभाव में जाने लगी। रूस हर बार आपत्ति प्रकट करता रहा, लेकिन जब बात यूक्रेन की आई तो टैक्टिकली यूक्रेन ऐसी जगह है जिसके बॉर्डर सीधे रूस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में रूस के लिए इसका टैक्टिकल महत्व है। अगर यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो जाता तो नाटो फौजें, जिनका हिस्सा अमेरिकी आर्मी भी है, वो रूस को उसके अपने ही घर में कभी भी घेर लेती। इसलिए रूस इसका पुरजोर विरोध करता रहा। यूक्रेन और रूस की स्थिति बिल्कुल वैसी ही दोस्तों जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत की। अगर पीओके पर पाकिस्तान का आधिकारिक रूप से कब्जा हो गया तो पाकिस्तान की सीमा चीन से सीधी जुड़ जाएगी। बात अलग है कि पीओके में आज पाकिस्तान अपनी पैरेलल सरकार चला रही है और चीनी सैनिक और चीनी लोग पीओके से पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत ये वहां काम कर रहे हैं। चीनी अपने देश से यूरोप तक रोड नेटवर्क बिछा रहे हैं जिसके बीच में पीओके भी पड़ता है। लेकिन अगर रूस की तरह भारत भी पीओके पर वापस से काबिज हो जाए तो भारत की सरजमी को चीनी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद भारत को घेरने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगी पीओके की जमीन, और ये टाइम टाइम की मिलिटेंसी वाली झंझट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर भारत ने देर की तो फिर भारत की जमीन और समंदर दोनों ओर से चीन उसे घेर सकता है, क्योंकि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या फिर म्यांमार का पोर्ट, समुद्री इलाके में चीन ने भारत को लगभग घेर ही लिया है। अगर भारत ने पीओके वापस प्राप्त कर लिया तो पीओके के रास्ते पाकिस्तान चीन बॉर्डर कभी नहीं मिल पाएगा और एक बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा चीन को पाकिस्तान पहुंचने के लिए। युद्ध जैसे हालातों में यह भारत के लिए बड़ा बेनिफिट होगा दोस्तों। भारत को पुतिन से सीखना चाहिए, क्योंकि उसने सही समय का इंतजार किया। उसने उस समय का इंतजार किया जब अमेरिका पूरी तरह से वीक हो चुका था, कमजोर हो चुका था। आज अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुका है, इराक के लगभग सारे ऑपरेशंस बंद हैं, महामारी और रिसेशन ने अमेरिका की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है, लॉकडाउन ने भी काफी परेशान किया है अमेरिका को। देखा जाए तो आज की तारीख में अमेरिका किसी भी युद्ध के लिए रेडी नहीं है। नहीं तो दो देशों के बीच टांग अड़ा के चौधरी बनने की आदत अमेरिका की पुरानी रही है। अमेरिकी हथियारों के बल पे ही पाकिस्तानियों ने न जाने कितने हिंदुस्तानी जवानों की जान ली है। लेकिन आज की स्थिति में अगर भारत खुलकर सामने आए तो चांसेस हैं कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच नहीं आएगा। अगर कोई आया भी तो वो होगा चीन, जिसका सीधा व्यापारिक आर्थिक स्वार्थ इंटरेस्ट जुड़ा है पाकिस्तान के साथ, और ऐसे वक्त में रूस भारत का साथ जरूर देगा। महामारी ने चीन की कमर भी तोड़ी है। चीन भी आज की तारीख में अपनी फुल पावर में नहीं है कि वो आए और भारत से भिड़े और अपना नुकसान करा ले। तो अब बात आती है मोदी जी की इच्छा शक्ति पर। पुतिन ने तो दिखा दिया कि उसे सालों साल की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, सालों साल की मिलिटेंसी नहीं चाहिए। जो करना था कर लिया रूस ने, अब मोदी जी की बारी है। क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं पीओके के साथ? क्या मोदी जी पीओके से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर कर पाएंगे, या फिर उनके चमचे देश के वफादार माइनॉरिटी के नागरिकों को ही टारगेट करते रहेंगे? क्या बोलती जनता, लड़ाई बाहर वालों से मिलकर लड़ी जाए कि नहीं लड़ी जाए, पीओके वापस लिया जाए कि नहीं लिया जाए? कमेंट कर देना और ये सवाल देशवासियों से पूछने के लिए ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।